हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही प्यारे बच्चों। बेटा आज आप जमात सत्तवीं दे जो सितंबर दे विच पेपर होना है, वो संबंधित एक सैंपल पेपर आया समाजिक विज्ञान का, आपू हल करने की कोशिश करा। आओ आप शुरू करते हैं अज का यह पेपर। सो पहला क्वेश्चन है, साड़ी धरती चार मंडलों में वंडिया गया है। यह हैं जलमंडल, थलमंडल, वायुमंडल। इन्हों मिला के चौथा मंडल वह नाम है बेटा, चौथे मंडल का नाम है। सो जीव जगत है, वातावरण है, जीव मंडल है, या फिर इन्होंने कोई नहीं। यदा राइट आंसर आ गया बेटा जी, जीव मंडल। चौथा मंडल है जोड़ा जीव मंडल है। पिछले दूसरा प्रश्न आ गया, पिछले साल मैं अपने दोस्त नाल मुंबई गया। उत्थे लोग किश्तियों बैठ के समुद्र विचों जाल बिछा के कुछ कढ़ रहे सन। एक किरिया की होंगी है? देखो किश्तियों बैठ के जाल बिछाया हुआ सी, पानी के विच तां कुछ कढ़ रहे सी। की कढ़ रहे सी बेटा? मच्छियां फड़ रहे सी। पानी चो की फड़ रहे सी? मच्छियां फड़ना। इहनूं की बोलते हैं? मच्छियां फड़ना। सो थर्ड क्वेश्चन है, गुरमेल ने जगतार नूं दस्या कि धरती नूं जल ग्रह कहा जाता है। साड़ी धरती नूं बेटा जल ग्रह कहा जाता है। दसो धरती दे किन्ना हिस्सा पानी है, किन्ने प्रतिशत जल है? वह किन्ना है जी? 71% बेटा साड़ी धरती दे उत्ते पानी है, 29% है जी वह थल है। क्लीयर। सो फोर्थ क्वेश्चन देखो, रमेश बीकानेर जा रहा सी, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी जो मिट्टी नूं एक जगह तो दूसरी जगह उड़ा के लैके जा रही सी। इस प्रक्रिया नूं की आखदे? मिट्टी का बेटा अपरदन हो रहा, एक थां तो दूजी थां ते मिट्टी मूव हो रही है नेरी दे नाल, उहनूं की बोलते हैं? अपरदन क्रिया। किहड़ा क्रिया? अपरदन क्रिया। इहदा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, जसविंदर सिंह एक बार नरमे का बीज लैण लई गुजरात गया। उसने देखिया कि उत्थे नरमा ते कपाह बहुत ज़्यादा मात्रा विच हुंदे हन, बहुत वधिया कपाह ते नरमा हुंदा उत्थे, जिसका सब तो वड्डा कारण उत्थों की मिट्टी सी। उत्थों की किस प्रकार की मिट्टी सी? की तुसीं दस सकदे हो कि उत्थे किस किस्म की मिट्टी है? नरमे ते कपाह वास्ते सब तो वधिया मिट्टी कीड़ी हुंदी है बेटा जी? काली मिट्टी। सो द राइट आंसर की आ गया? काली मिट्टी। क्लीयर। नैक्सट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, असी चाह हर रोज़ पीते हाँ, यह मुख्य तौर पर आसाम विच हुंदी है, की तुसीं दस सकदे हो कि इस प्रकार की मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी चाहिए है? उहदे वास्ते कि मिट्टी चाहिए है? वो देखो, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, जलौण मिट्टी, या फिर लैटराइट मिट्टी। बेटा पहाड़ों के विच हुंदी है तां इहनूं असीं की कहांगे? पर्वतीय मिट्टी के विच कपाह अपनी जिहड़ी चाह है वह ज़्यादा वधिया हुंदी है आसाम के विच। सो क्वेश्चन नंबर 7, मैं एक अजिही धात हाँ जो हल्की हाँ, मेरे वधेरे वरतों हवाई जहाज बनाने लई कीती जांदी है, मेरे तो बनियां चीज़ां नूं जंगाल नहीं लगता, भाव जर नहीं लगती, दसो मेरा नाम की है? अजिही कि धात है जिन्होंने जंगाल नहीं लगती तो उन्हों हवाई जहाज बनाने वरत्या जाता है? सो ये चार ऑप्शन ने, तांबा, सोना, लोहा ते बैकसाइड। बेटा जहाज बनाने वास्ते ज़्यादातर एल्यूमीनियम वरती जाती है जिड़ी कि बॉक्साइड की एक धात है। सो द राइट आंसर की आ गया? बॉक्साइड। क्लीयर। क्वेश्चन नंबर 8, एक अजिहे खनिज पदार्थ का नाम दसो जो बिजली का समान बनाने लई वरत्या जाता है ते जिस विच भारत का उत्पादन पक्षों पहला स्थान है। देखो मेन चीज़ है भारत का उत्पादन पक्षों दुनिया में पहला स्थान है, ये चीज़ है। सो ये आ गया जी साढ़े को अबरक। की आ गया? अबरक। सो द राइट आंसर की आ गया? अबरक। नैक्सट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, अंतरिक्ष ने जमीन की खुदाई की, उस विचों कच्चा लोहा ते तांबा मिलिया। खुदाई करने तो कच्चा लोहा ते तांबा मिलिया, इन्हां पदार्थों नूं असीं की आखदे हन? देखो जमीन पुट के सानूं जिहड़े पदार्थ मिलते हैं है ना, उहदे नूं आपां आम तौर ते की कहिंदे? खनिज पदार्थ। सो इहदा राइट आंसर की आ गया? खनिज पदार्थ। कच्चा लोहा ते तांबा की ने? साडे खनिज पदार्थ हन। सो नैक्सट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, अज कल मेरी मंग बहुत वध जाण करके मैनूं तरल सोना भी आख्या जांदा है, दसो मेरा नाम की है? की नाम है? तरल सोना लीकुड फॉर्म, ये देखो कोला नहीं लीकुड च हुंदा, तांबा नहीं हुंदा, लोहा नहीं हुंदा, की हुंदा जी? पेट्रोलियम। बहुत महंगा हो चुका है पेट्रोलियम, सो इस करके इसनूं तरल सोना भी आख्या जाता है। नैक्सट क्वेश्चन 11 नंबर, साढ़े आले दुआले दे लोग अपनियां रोज़ दियां जरूरतां नूं पूरा करन लई लगातार दरख्तां नूं कट रहे हन, बटा बहुत ज़्यादा दरख्तों की कटाई की जा रही है, कुछ समय बाद इस खेत्र में कौन समस्या पैदा हो जाएगी? है ना, दरख्त कटने नाल देखो भूमखोर, भूमि का खोर होने, मिट्टी खोरन लग जाती है, मौसमीकरण, जमाव, या नवीनीकरण। सो ये जो कि राइट ऑप्शन आ गई, भूखोर भाव जमीन का जिहड़ा जड़ा ने बेटा, दरख्तों की जड़ा ने भूमि में मिट्टी बन के रख दियां ने, जो आप दरख्तों कटते हैं तो हौली हौली वह भूमि खुरनी शुरू हो जाती है वर्षा के पानी नाल जां होर प्राकृतिक आपदा नाल। सो नैक्सट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 12, मेरे जन्म समय धरती दे अंदरला मैगमा बहुत ज़्यादा मात्रा विच होण करके धरती दी पोली सतह तो बाहर वल जोर नाल निकलिया, ठीक है जी, जो कि धरती दी बाहरली सतह ते ठंडा हो गया, बाहर आके पिया पिया हौली हौली ठंडा हो गया, जदों मैं बन रही सी तां हवा दे बुलबुले सन, दसो
मैं कि चट्टान हाँ। चट्टान का बेटा नाम दसना है, किस्म दसना है, कि चट्टान होगी। देखो जी बाहरवेदी अग्नि चट्टान, ये कि है बाहरवेदी अग्नि चट्टान, जो लावा गर्म रूप बहर आता है, हौली हौली बिछ जाता है तो ठंडा होकर अपना एक रूप धारण कर लेता है। सो दा राइट आंसर आ गया बाहरवेदी अग्नि चट्टान। क्वेश्चन नंबर 13 इतिहास में संबंधित आ गया, मुहम्मद गजनवी ने भारत से किन्नी बार हमला किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 17 बार। किन्ने बार? 17 बार भारत उत्ते इस बंदे ने अटैक किया, भारत में लुट के लैके गया। संगीतकार की गल कर रहा है, वह संगीतकार सी, वह नाम दसो की सी, तानसेन। राइट आंसर ही बेटा तानसेन आ गया। तानसेन एक बड़ा प्रसिद्ध संगीतकार रहा अकबर के समय, उसके रत्ना के विचों एक सी। क्वेश्चन नंबर 15, कल टीवी ते एक कहानी सुनी जो कि पल्लव वंश के शासकों बारे से, कि तुसी मैनू पल्लवां की राजधानी बारे दस सकते हो? भाव पल्लवां की राजधानी कि बेटा? कांची। सो राइट आंसर की आ गया? कांची। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली सल्तनत के उस शासक का नाम दसो जो घोड़े तो डिग के मर गया सी। बेटा दिल्ली का वह शासक से कुतुबद्दीन ऐबक, यही घोड़े तो डिग्या सी ते दी अचानक मौत हो गई सी, कुतुबद्दीन ऐबक। अगे आ गया जी इस क्वेश्चन नंबर 17, खिलजी वंश के किस शासक ने 1290 ईस्वी तो लैके 1296 ईस्वी तक शासन किया? खिलजी वंश का वंशज सी बेटा वह सीगा संस्थापक सी, उहदा नाम सी जलालुद्दीन खिलजी। राइट आंसर आ गया बी ऑप्शन, जलालुद्दीन खिलजी यही संस्थापक भी सीगा खिलजी वंश का। नैक्सट आ गया क्वेश्चन नंबर 18, दास वंश के संस्थापक शासक ने दिल्ली विच किस प्रसिद्ध स्मारक की उसारी करवाई? दास वंश के सीगे बेटा, आप हमने उपर करके आए हैं कुतुबद्दीन ऐबक, उन्होंने की बनवाया सी? कुतुब मीनार बनाया सी। दिल्ली दे विच महरोली नाम का एक स्थान है, उत्थे है कुतुब मीनार। सो द राइट आंसर आ गया कुतुब मीनार। नैक्सट क्वेश्चन तुसी देखो, क्वेश्चन नंबर 19, इल्तुतमिश की पुत्री का की नाम सी जिसने 1236 ईस्वी तो 1240 ईस्वी तक दिल्ली से शासन किया? काफ़ी फेमस है बेटा ये क्वेश्चन, वह नाम सी रजिया सुल्तान। यदा जिक्र पंजाब दे विच भी आता है, पंजाब के बठिंडे नाल भी यदा जिक्र जुड़िया हुआ। सो द राइट आंसर आ गया रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 20, तुगलक वंश के किस शासक नूं बुद्धिमान मूर्ख के नाम नाल भी जाने जाता सी? बेटा वो कम अजिहे सी भी मूर्खां वाले, अदरवाइज़ वो पढ़िया लिखिया सी, सो इन बुद्धिमान मूर्ख के नाम नाल बुलाया जाता सी। उहदा नाम की सी? मुहम्मद बिन तुगलक। सो द राइट आंसर आ गया मुहम्मद बिन तुगलक। इन याद कर लेना मुहम्मद बिन, जिते बिना आ गया ना बस भी बिना अकल तो, है ना, बुद्धिमान मूर्ख मुहम्मद बिन तुगलक। नैक्सट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, साम्राज्य का पहला शासक कौन सी? उरे आऊगा मुरे मुगल साम्राज्य पूछना लिखना रह गया, यह मुगल साम्राज्य का पहला शासक कौन सी? बाबर। कौन सी जी? बाबर। बाबर सी मुगल साम्राज्य का पहला शासक, भारत में इसने मुगल राज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 22, सिखा के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने किहड़े मुगल बादशाह द्वारा तसीहे दे के शहीद किया गया सी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, किहड़े उन्होंने किया सी? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने इन्हों श्री गुरु तेग बहादुर जी ने शहीद किया सी दिल्ली के चांदनी चौंक में, जिते शीशगंज गुरुद्वारा साहब है उत्थे श्री गुरु तेग बहादुर जी ने शहीद किया गया सी। नैक्सट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, दी पहली लड़ाई कदों हुई? प्लस पानीपत की पहली लड़ाई ये आऊगा, पानीपत की पहली लड़ाई कदों हुई? 1526। बेटा इस लड़ाई नाल ही मुगल शासन का जिहड़ा भारत में आगमन होया सी, ये बाबर ने है ना इब्राहिम लोधी नूं हरा के भारत में मुगल वंश की स्थापना की सी 1526 ईस्वी के। नैक्सट क्वेश्चन 24 नंबर, जहांगीर ने 1611 ईस्वी किस नाल शादी की? जहांगीर ने 1611 ईस्वी के किस नाल शादी की? वह सी जी नूर जहां। कि शादी की सी? नूर जहां। यह भी एक मुगल शासक सी जहांगीर, इन्हें किसी शादी की सी? नूर जहां नाल। सो क्वेश्चन नंबर 25, नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन शुरू हो गए, वोटा पा के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनाते हैं, अजिही सरकार नूं की आखदे? देखो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है तो की आऊगा जी? लोकतंत्री सरकार। कि सरकार? लोकतंत्री सरकार। नैक्सट क्वेश्चन 26 नंबर, लोकतंत्र सरकार विच क्योंकि सरकार लोगों दियां दी इच्छा अनुसार नीतियां तय करती है, इसे लई लोकतंत्र दियां महत्वपूर्ण दो संस्थावां हन जिन्हां विचों एक चोणां हन, इलैक्शनज है ना, दूसरा दसो, दूसरा तुसी दसो। एक तो इलैक्शन दस दी भी, दूसरा कि इंपॉर्टेंट है जिस उस चीज़ नूं लोग इच्छा भी कहा, लोगों की इच्छा, लोग चोन इच्छा, वोट इच्छा, लोकमत, लोकमत होंगे लोगों की राय। सो दूसरा की आज लोगों की राय की है, क्लीयर? सो एक तो चोना, दूसरा लोकमत, लोगों की इच्छा, लोगों की राय की है, किधरे पास लोगों का झुकान है। क्वेश्चन नंबर 27, उस व्यक्ति का नाम दसो जिसने कहा कि लोकतंत्री सरकार लोगों की, लोगों द्वारा होंगी है,
ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 16ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐਸ ਐਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਆਊ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ, ਫੋਰ ਦਾ ਪੀਪਲਸ, ਬਾਏ ਦਾ ਪੀਪਲਸ, ਫਰੋਮ ਦਾ ਪੀਪਲਸ, ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 16ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 28। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਅਸਲੀ ਮੁਖੀ, ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਅਸਲੀ ਮੁਖੀ। ਸੋ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਅਸਲੀ ਮੁਖੀ। 29ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸਲ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸਲ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਇਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਜਪਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 31, ਹਰਮਨ ਦਾ ਜਨਮ ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੱਸੋ ਹਰਮਨ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ, 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਵੋਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 18 ਸਾਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 32, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜੱਦੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੱਦੀ ਭਾਵ ਪੁਰਖ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਪਿਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਐਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਤੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣਾ ਉਵੇਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਬੇਟਾ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਜੱਦੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲੀ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13, ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਰੰਭ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਭਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਭਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਏਥਨਸ। ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਏਥਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 34, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਭਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਰਡ ਮਿਸ ਹੈ, ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਰਾਖਵਾਕਰਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਖਵਾਕਰਨ। ਸੋ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਟੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 35 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਆਈ ਆਉਣੇ ਨੇ, MCQs। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀ ਵੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਯੋਰਸੈਲਫਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ।